और वहीं कुछ देर पहले ही अतीक अहमद को लेकर जा रहा पुलिस का काफिला राजस्थान सीमा के अंदर घुसा है। हमारे सहयोगी भवानी लगातार अतीक के काफिले को ट्रैक कर रहे हैं। ओवर टू यू भवानी, अतीक का काफिला कहां पहुंचा और इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां है? देखिए, अतीक के काफिलों को कोटा के बाईपास होकर सीधे जाना था चित्तौड़गढ़, लेकिन उसके बजाय शहर के अंदर लाया गया और कोटा का आनंदपुरा थाना यहाँ पर ये काफिला यहाँ पर पहुंच गया। और यहाँ पर अब ये आप जो वज्र वाहन है जिसके अंदर अतीक बैठा हुआ अभी उतारा जाएगा। यहाँ से पीछे से आप देखिए कि जो दोनों वज्र वाहन है उसमें उनको पीछे ले लिया गया, जिसमें एक में एसटीएफ के जवान थे, एक में अतीक अहमद है। अतीक पीछे का जो गेट है जिसमें लॉक लगा हुआ था, जिसमें अतीक था, वो ताला खोल दिया गया और किसी भी वक्त उसको अतीक अहमद बाहर आ सकता है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उसके वॉशरूम की और जलपान की व्यवस्था की गई, शायद ऐसा लग रहा है। और जो एसटीएफ के जवान हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की गई और ये पहले से यहाँ पर तैयारी थी। अगर सीधा जा सकते थे यहाँ पर चित्तौड़गढ़, लेकिन ऐसा करने के बजाय कोटा शहर के अंदर लाया गया आनंदपुरा थाने के अंदर और कुछ वक्त यहाँ रुक सकते हैं। अभी तक जो उतारा नहीं गया, कुछ देर होगी, 5 से 10 मिनट हो गई, लेकिन कुछ तैयारी की जा रही है, कुछ ऑफिसर्स का और इंतजार किया जा रहा है, सुरक्षा पूरी कड़ी कर दी गई है। एक तस्वीर में पूरी थाने की पूरी बताना चाहूँगा कि आप किस तरीके से अनंतपुरा ये थाना कोटा शहर का थाना है, जहाँ पर आप देखिए कि सुरक्षा कड़ी सुरक्षा की गई है। और यहाँ पर जो भवानी आप तस्वीरें हमें दिखाते रहिए, साथ साथ हमें ये भी बताइए कि कितनी देर बाद ये हॉल्ट लिया गया है और यहाँ से साबरमती जेल का डिस्टेंस कितना होगा? देखिए कि अब ये राजस्थान के अंदर एंट्री के बाद में एक बार शुरुआत में जब एंट्री हुई थी तब एक बार रोका गया था, उसके बाद में एक बिल्कुल भवानी और ये काफिला अब ऐसे ही साबरमती जेल की ओर बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भवानी। इंडिया की सबसे बड़ी हस्तियां साथ होंगी सबसे विशाल मंच पर। सम्मानित करेंगे उन साधारण लोगों को जिनकी उपलब्धियां हैं असाधारण। पूनावाला फिनकॉर्प पेश करते हैं न्यूज 18 राइजिंग इंडिया रियल हीरोज 29 और 30 मार्च सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर। प्रेजेंटेड बाय पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड एनेबलिंग ड्रीम्स। हैं जो नॉर्वे को पूरी दुनिया से जोड़ती हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की जंग के बाद से नॉर्वे यूरोप की गैस की कुल जरूरत का 40% हिस्सा